अगले सवाल पर आते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल जो है एरर एंड मेजरमेंट वाला जो टॉपिक है उससे भी सवाल पूछे जाते हैं। ये जो सवाल है वो एरर एंड मेजरमेंट वाला टॉपिक से ही रिलेटेड है। स्क्रू गेज से हम लोग कोई जो है डिस्टेंस थिकनेस मेजर करते हैं किसी ऑब्जेक्ट का, तो उसी से रिलेटेड ये सवाल है। कहा गया है इफ द स्क्रू ऑन अ स्क्रू गेज इज गिवेन 6 रोटेशंस, ध्यान रखना है 6 रोटेशन कहा गया है ना, स्क्रू गेज इज गिवेन 6 रोटेशंस, इट मूव्स बाई 3 मिलीमीटर ऑन द मेन स्केल। ये इस पर जो है यहाँ पर मेन स्केल बना होता है और यहाँ पर सर्कुलर स्केल होता है जिसको हम लोग ऐसे घुमाते हैं, ठीक। तो ये कहा गया कि 6 रोटेशन देने पर, इसको 6 रोटेशन घुमाने पर ये जो है 3 मिलीमीटर खिसकता है आगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि 6 रोटेशन जो है इसका मतलब 3 मिलीमीटर, यानी कि 1 रोटेशन जो है ये आएगा 0.5 मिलीमीटर। 3 बाई 6 कर देंगे तो 0.5 मिलीमीटर आ जाएगा, है ना। अब आगे कहा गया है इफ देयर आर 50 डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल द लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज इज, लिस्ट काउंट का मतलब कि जो मिनिमम वैल्यू मेजर किया जा सकता है इसे, है ना, विथ परफेक्ट एक्यूरेसी ऐसे कह सकते हैं। तो ये दिखा सकते हैं कि एक रोटेशन में, क्योंकि इस पर 50 डिवीजन बने हैं सर्कुलर पर, है ना, तो एक रोटेशन में ये 50 डिवीजन घूमता है, तो एक डिवीजन जो है वो कितना मिलीमीटर के बराबर होगा। एक रोटेशन मतलब सर्कुलर का 50 डिवीजन, तो 50 डिवीजन किसके बराबर है, 0.5 मिलीमीटर के बराबर होगा, है ना। 1 रोटेशन मतलब इस पर 50 डिवीजन है, 50 डिवीजन पूरा एक चक्कर लगाएगा, तो 1 रोटेशन मतलब 50 डिवीजन, और 1 रोटेशन का मतलब 0.5 मिलीमीटर तक खिसकेगा, तो 50 डिवीजन जो है वो 0.5 मिलीमीटर के बराबर है। तो एक डिवीजन जो है वो कितना के बराबर होगा, 0.5 डिवाइडेड बाई 50, है ना, ये देखेंगे आएगा 0.001 सेंटीमीटर में आएगा, है ना, ये मिलीमीटर में था मैंने इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, तो ये आएगा। तो एक डिवीजन जो सबसे छोटा डिवीजन है वो डिवीजन कितनी वैल्यू मेजर कर सकता है, मिनिमम वैल्यू एक्यूरेसी के साथ कितना मेजर कर सकता है, वही लिस्ट काउंट होता है। तो एक डिवीजन जो सर्कुलर स्केल पर एक डिवीजन बना हुआ है वो सबसे छोटा डिवीजन एक तरह से कह सकते हैं, वो 0.001 सेंटीमीटर के बराबर होता है, तो यही जो है ये लीस्ट काउंट भी कहलाएगा। तो इसमें ऑप्शन में देखेंगे कि जो सेकेंड ऑप्शन है ये सही है, 0.001 सेंटीमीटर है।